बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट केक। आपको नज़र आ रहा है ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप में भी अगर किसी की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत प्यारा लगता है देखने में भी, और ये हार्ट शेप में मैंने बनाया है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो जी, सबसे पहले हमारे पास हैं 4 अदद अंडे, 125 ग्राम हमारे पास मैदा है, 125 ग्राम कास्टर्ड शुगर है, और बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 चाय का चम्मच, लिक्विड रेड फूड कलर है, कोको पाउडर है 1 खाने का चम्मच, और मक्खन है 125 ग्राम। तो जी, इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हार्ट शेप का मैंने लेके मोल्ड और उसमें बटर पेपर लगा लिया है। वो तो सबको पता है कैसे लगाना है। तो ये आपको सारी चीज़ें सामने नज़र भी आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 125 ग्राम जो हमने बटर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है, आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल आराम से मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया है। तो इसमें मैं डालूँगी शुगर, बिल्कुल पीसी हुई चीनी है मेरे पास, कास्टर शुगर है। नॉर्मल चीनी लेके आप इसको पीस लें, और पहले चीनी और ये मक्खन को हम हाथ से यानी कि इस फोक की मदद से मिक्स कर लेंगे एकदम से। इस पर वो बिटर नहीं चलाएंगे वरना चीनी जो है ना वो बहुत उड़ेगी। तो हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच ऑयल तकरीबन, मेरे पास ये छोटी हैं तो आप 2 से 3 चम्मच ऑयल कर लें अगर छोटी हैं, वरना 2 बड़े चम्मच आप ऑयल डाल दें तो आपका ये अच्छे से बन जाएगा। दो से चार चम्मच ऑयल डाला मैंने, आप भी ऐसे डाल सकते हैं आराम से। अब हमने इन चीज़ों को मिक्स करके अब हम इसको बीट करते हैं बीटर की मदद से। इलेक्ट्रिकल बीटर से ही बीट कीजिएगा क्योंकि इससे वो अच्छा सा फ्लफी सा बनता है। अगर बीटर से नहीं करेंगे तो इसमें वो स्पंजीपन नहीं आएगा। कोशिश करें कि बीटर से ही बीट करें। अब हम इसमें अंडे डालेंगे एक एक करके, और आप पहले चेक कर लीजिएगा कि अंडे ठीक हैं या नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो आपका मक्खन और चीनी और सब ज़ाया हो जाएगा। अगर कोई गंदा अंडा निकल आएगा तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले एक अलग से प्याली लें, उसमें अंडे तोड़ें और देखते जाएं और वो डालते जाएं। और मैंने अपने अंडों को पहले चेक कर लिया था पानी के अंदर रख के, पानी में रख के देखें, अगर जो अंडा बैठ जाए वो ठीक होता है, और जो ऊपर ऊपर तैरने लग जाए वो ख़राब होता है। तो मैंने ऐसे चेक कर लिया था। तो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप ऐसे करें, अलग से प्याली लें, उसमें अंडा तोड़ें और फिर उसको इस केक के मिक्सचर में शामिल करते जाएं, क्योंकि डायरेक्ट करने से आपका ये पूरा जो आपने ख़र्चा किया होगा ना वो ज़ाया जाएगा। जी, मैंने बारी बारी चारों अंडे डाल के इसको बीट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर जितना मैंने आपको बताया था, ये 1 टीस्पून है। ये मेरे पास जो मैदा है वो 125 ग्राम, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मिक्स कर दिया है बेकिंग पाउडर, और ये जी वनीला एसेंस में डाल रही हूँ 1 टीस्पून अपने अंडे और चीनी और जो बटर के मिक्सचर में। अब इसको भी हम बीट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बीटर की मदद से। हम इसको बीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ये हम जैसा कि आपने केक पे देख भी लिया है कि हम इसको अपनी एनिवर्सरी की, मैरिज एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं। हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी उसकी खुशी में। तो अब हम मैदे को छान लेते हैं इसके साथ किसी छन्नी की मदद से, ताकि इसके अंदर से वो कोई अगर कचरा वगैरह तो निकल जाए और मैदे के अंदर एयर पैदा हो।
अब इसको भी हम थोड़ा सा बीटर चला के मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और मुझे ये याद नहीं रहा था कि मुझे कोको पाउडर को भी साथ ही मिक्स करना है, मैं भूल गई थी। लेकिन फिर मैंने बाद में कोको पाउडर को डाल के फिर उसको मिक्स कर लिया था। लेकिन आप कोशिश करें कि आप कोको पाउडर को, मैदे को और बेकिंग पाउडर को एक साथ मिक्स करके छान लें तो भी। अब मैं बाद में इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप ऐसे कोशिश करें कि आप मैदे के साथ इसको मिक्स कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, समटाइम इंसान भूल जाता है, तो उसको उसको बाद में भी डाल सकते हैं। कोई मेरा केक ख़राब नहीं हुआ था, बहुत अच्छा बना था। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ। अब इसमें हम रेड फूड कलर डालेंगे और ये आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाल के मैं देखती रहूँगी कि जहाँ मुझे लगे कि ठीक है तो उस स्टेप में मैं रोक दूंगी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी कि वो बहुत ज़्यादा ना रेड हो जाए। जितना हमें चाहिए मैं उसके मुताबिक ही रखूंगी। ये पहले मैंने थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाले हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा पिंक लगा था तो फिर मैंने इसमें और ज़्यादा ऐड कर लिया था और इसको रेड कर लिया था कम्प्लीटली। तो जी ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम केक के मोल्ड में, जो मैंने हार्ट शेप का लिया हुआ है, इसके अंदर इसको डाल देंगे। और फिर इसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। बेक होने के बाद फिर इसको हम सेंटर में से काट लेंगे और इसके ऊपर हम जामे शीरी वाला रूह अफ़ज़ा वाला दूध लगा के इसको मॉइस्ट करेंगे। तो इसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। तो वो डेकोरेशन या इसको इसकी शेप, इसका मोल्ड आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और इसके ऊपर सजा जैसे आपका दिल करे, अगर बर्थडे केक है तो उसके हवाले से कर लें, अगर कोई पार्टी केक बना रहे हैं तो उसके हवाले से कर लें, और अगर एनिवर्सरी केक बना रहे हैं तो उसके हवाले से आप इसको सजा सकते हैं। तो जी हम इसको बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद फिर इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो जी मैंने ओवन जो है वो प्री हीट कर लिया था। आप अपने ओवन के मुताबिक करें, क्योंकि सबका ओवन का गैस या इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, तो आपको जैसे ठीक लगे आप उस ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बाद ये मेरा केक पक गया था। इसको मैंने निकाल के फिर इसको क्रीम के साथ मैंने बीच में से काट के मैंने जैसे आपको बताया है डेकोरेट कर लिया था। तो ये मुझे बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।